67वें निरंकारी संत समागम का दूसरा दिन मानवता की निष्काम सेवा लेकर उदय हुआ। हजारों सेवादार रूहों से सुसज्जित ये सेवा दल रैली इसी बात का प्रतीक थी कि मानवता ही परम धर्म है। सेवा को कला के माध्यम से दर्शाते हुए इन सभी भाई बहनों ने सदगुरु के आशीष लिए। ये इंसानी जन्म हीरे जैसा जन्म अमोलक बताया गया है, यही वो जीवन है जिसमें वो ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती है, और अगर यही हाथों से छिन गया, यही एक सफर हमारा जीवन का ना कामयाब रहा, इसी जीवन में हम उजाला अपने जीवन में ना कर पाए, तो फिर पतन ही पतन है। हमारी अपनी अपनी बिरादरियां, हमारे अपने अपनी कौमें, हमारे अपने अपने ऐसे स्वरूप बनकर रह गए हैं, अपनी जातियां, अपने मज़हब मज़ो मिल्लत की दीवारें इस कदर हमने खड़ी कर ली हैं। परमात्मा ईश्वर निराकार पारब्रह्म ये घटघट में बसता है, घटघट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, के एक मुरारी ही घटघट में बसता है, और इसलिए कोई पराया कोई बेगाना नहीं है। सारे खुदा के बंदे हैं, ये मखलूक सारी है कुंभा खुदा का। 67वें निरंकारी संत समागम के तीसरे दिन सूरज इन विशाल रिहायशी टेंटों में उदय हुआ। हर प्रांत व क्षेत्र से आए इन सभी महात्माओं ने प्रभु के गुणगान से वातावरण को महका दिया। जहाँ एक ओर ये महात्मा अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निरंकारी प्रदर्शनी एक मनमोहक दृश्य सजा रही है। निरंकारी मिशन के इतिहास, कामकाज, चैरिटेबल फाउंडेशन व अन्य गतिविधियों को दर्शाती हुई ये प्रदर्शनी इस समागम का एक मुख्य आकर्षण है, और चलते चलते इस एग्जीबिशन का एक कोना ऐसा भी है जो एक पूर्ण संत की जीवन गाथा को दर्शा रहा है। राजमाता कुलवंत कौर जी भक्ति और श्रद्धा का एक ऐसा समन्वय जिसे शब्दों में समेट पाना नामुमकिन है। माना कि ये सेक्शन इनके जीवन को दर्शाने का प्रयास कर रहा है, पर इन जैसे पूरन संत के जीवन का एक लम्हा भर भी इसमें शायद ही सिमट पाया हो। 1 जनवरी 1931 को राजमाता जी का जन्म हुआ, और 8 बरस की उम्र में उन्होंने सतगुरु बाबा बूटा सिंह महाराज से ज्ञान की दीक्षा प्राप्त की। 1947 में उनका ब्याह गुरबचन सिंह जी के साथ हुआ, और 1947 से लेकर 1980 तक वो एक आदर्श पत्नी रही, आदर्श बाऊ रही, और जो जिम्मेदारियां पारिवारिक की होती हैं बाखूबी उन्होंने निभाने का प्रयास किया। 1980 के बाद जब सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज को बलिदान दिया, तो उसके बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह के प्रति निष्ठावान होकर एक भगत की भूमिका निभाने का प्रयास किया। उनकी माँ होते हुए भी उनको सतगुरु स्वीकार करके उनके कंधे के साथ कंधा मिला करके देश और दूर देशों में मानव मात्र का कल्याण करने में अपना योगदान दिया। अपने बच्चों की परवाह न करते हुए
सारे विश्व में रहने वाले मानव मात्र को प्रति अपना समय प्रदान कर रखा था। और हमारी जो विश्व धर्म संसद है उसने नंकारी राजमाता जी को धर्म रत्न से विभूषित किया था। ऐसी उपलब्धियां नंकारी राजमाता जी ने अपने जीवन के अंदर प्राप्त की थी। और सबसे बड़ी उनकी जो खूबी थी, एक वो विशालता, तप और त्याग की जीती जागती तस्वीर थी, एक मुकम्मल नारी थी, एक मुकम्मल पत्नी थी, एक मुकम्मल माँ होने का गौरव भी निरंकारी राजमाता जी को प्राप्त था। तो इस विशाल समागम में जहां मैदान बहुत बड़े हैं और दिल उनसे भी बड़े, एकत्व की सोच और सद्भाव ही जिंदगी के मायने हैं। बाइबल में सत्संगत एक शब्द आता है, इफ यू अबाइड इन मी माय वर्ड्स अबाइड इन यू, यू शैल आस्क व्हाट यू विल इट शैल डन इन टू यू। कहते हैं कि अपने आप को सदगुरु के हवाले कर दो, अपने आप को सदगुरु के चरणों में सत्संगत अपने आप को हवाले कर दो, इनके प्रवचनों को अपने हृदय में बसा लो। तो सत्संगत कहते हैं कि जो भी मांगोगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, कहते हैं इट इज डन टू यू, वो हो गया आपके लिए। सिर्फ सत्संगत इनकी बात माननी है। कृपा करो, बख्शिश करो, रहमत करो। जो गुर आखे हो कुछ करना सेव कमाना सीखिए, जो गुर देवे हो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए, चाहे दुख दे चाहे सुख दे मन्ना पाना सीखिए, जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए, एक गुरदे बस होके रहना, होर किसी की लोड़ नहीं, कहे अवतार एहो जे सिख नू किसी चीज़ की थोड़ नहीं। इशारे में खुदा का रूप सारा देख के सब दीवाने हो गए हैं, सब दीवाने हो गए हैं, ये नजारा देख के एक इशारे में खुदा का रूप सारा। किसी एक राज्य के अंदर सत्संगत बहुत बड़ा भूचाल आया, सारे पेड़ गिर गए और पंछी सत्संगत लुट गए, उनको समझ नहीं आता था कि कहाँ पर जाए। राजा के महल के चवारे के ऊपर पंछी आकर सत्संगत बैठ गए, और वो यहाँ वहाँ उड़कर जाएं तो चारों ओर सत्संगत केवल सर्वनाश नज़र आ रहा था, खाने के लिए दाना नहीं। तो सत्संगत कहते हैं कि राजा ने एक ऐसे इच्छा धारण करी, हे नारायण हे निरंकार, कुछ पल के लिए मुझे इनकी भाषा सिखा दो या मुझे भी पंछी बना दो, ताकि मैं इनको लेकर इस जहाँ पर खाना रखा है वहाँ तक लेकर आ जाऊँ। तो तथास्तु हुआ और सत्संगत राजा भी पंछी बन गया, और सत्संग पंछियों में मिलकर उसने वहाँ से फुर्र करके सत्संग जहाँ दाना रखा था वहाँ पर अपने आप चुग कर दिखाया, तो दो चार और सत्संगत पंछी उड़कर आ गए, उन्होंने भी सत्संगत वो खाया, और सत्संगत उसको देखा देखी 20, 50, 200, 400 पंछी आ गए। वो जो चुग कर गए, जब सत्संगत उनके पेट के अंदर एनर्जी आई, शक्ति आई, तो वो कह रहे थे आ जाओ बहुत सारा दाना पड़ा है चुग कर ले जाओ। सत्संगत आज सतगुरु दुनिया के अंदर सिर्फ रूप बदल कर आया, दया आ गई इसको अपने भगत के ऊपर, इस रूहों के ऊपर, और सत्संगत ये इंसानी जामा बदल कर आ गया।
आकर सत्संगत इसने अपना अपने आप को जनवाया कि देख मैं ये हूँ, पर मैं अगर ऐसे नहीं आता था तो ये समझ में आने वाला नहीं था। तमाम उम्र जिस खुदी के परिस्तार रहे, तमाम उम्र जिस खुदी के परिस्तार रहे, तमाम उम्र जिस खुदी के परिस्तार रहे, तमाम उम्र न जाना कि ये खुदी क्या है, तमाम उम्र न जाना कि ये खुदी क्या है, जिसे ये इल्म नहीं है वो आदमी क्या है, किसकी खलकत है खुदा क्या है, बंदगी क्या है। संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, गुरसिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विच्चों हीरे मोती चुंदा है। सत्संगत गुरु की आँख तो सब अच्छा ही देखती है, सबके गुणों को ही देखती है, और गुरु के कान सबकी प्रशंसा ही सुनते हैं। तो जब गुरसिख अपनी करनी में गुरमत को शामिल कर लेता है तो नफरत अभिमान ईर्ष्या जैसी कई बुराइयों से बच जाता है। सत्संगत पूर्ण सद्गुरु की कृपा से गुरसिख स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है और उनसे सद्व्यवहार और उत्तम विचारों को ग्रहण करता है। सत्संगत जब तक मिट्टी स्वयं को पूर्ण रूप से कुम्हार को समर्पित नहीं करती, वो किसी सुंदर आकार को प्राप्त नहीं कर पाती। सत्संगत समर्पण उपरांत ही सद्गुरु की कृपा से ये मानवीय गुण जैसे नम्रता, भाईचारा, प्रेम, करुणा, क्षमादान, सद्भावना, सहानुभूति, एकत्व आदि गुरसिख के जीवन को श्रृंगारित करते हैं। सतगुर दी सिखलाई प्यार फैलाउणा है, असी वांग परावा सब नूं गल नाल लाउणा है, ए कोने कोने जाके कर प्रचार है, दुनिया दा वाली दुनियादार है, ए दुनिया दा वाली दुनियादार है। आतंक दिल ही ना कदे भी दिल सबना दे लई अपने वर्गी खिच होवे, मेरा मुर्शद खत्म दिला चो कर तकरार है, ए दुनिया दा वाले दुनिया तार है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। आज जब संसार की हालत देखता हूं, जब कभी भी साथ संगत अखबार सुबह का देखता हूं, तो हर तरफ साथ संगत कत्लो गारत ही नज़र आती है। इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, एक मजहब दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, हिंदू को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। क्या करे कोई खिदमत इंसान जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। सत्संग इस कदर इंसान बनता चला जा रहा है, दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो आपस में बैर करना सिखाता हो। डॉक्टर इकबाल कहता है, मस्जिद तो बना दी शबर में इमाम की हरारत वालों ने, मन तो पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका।
बात मन की है। जब मन सतगुरु के आगे सत्संग समर्पण कर दिया जाता है, दुनिया के तमाम झगड़े खत्म हो जाते हैं। Divine comes to this earthly plane to raise it to higher levels. कल परसों से सुन रहे हैं कि इंसान की कीमत किस तरह गिर रही है, बराबर गिरी जा रही है, और ये संसार में इंसान की कीमत को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए ही प्रकट होते हैं। There is an ever aspiring movement to advance from one stage to another, from minerals to plants, from plants to animals, from animals to human being, and from man to God in man. ये पातशाह आज वो कर रहा है, इंसान बन गए, दातार ने कृपा की, ये इंसानी जामा हमें दे दिया, अब God in man वाली जो बात रह गई थी वो भी इन्होंने पूरी कर दी है, इस ईश्वर की पहचान करवा दी है। लोग जब मुझसे मिलते हैं सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जब भगवान की बात निकलती है तो वो समझ नहीं पाते कि बाबा जी ने हमें हमारे ऊपर क्या बख्श कितनी बख्शिश की है। साथ संगत जी, एक बार हम बाबा जी के साथ गाड़ी में जा रहे थे, बहुत बख्शिश, तो उसमें साथ संगत जी दास का ध्यान आया, मैं कह बाबा जी मेरे बिजनेस में तीन बातें होती हैं, एक तो चीज़ प्रोडक्ट, दूसरा भाव, और तीसरी क्वांटिटी। ये तीन मिल जाते तो मेरा धंधा हो जाता है। आपके बिजनेस में न तो क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, न तो प्राइस का भाव है, न तो कोई चीज़ है ही नहीं। बाबा जी ने कहा मेरे पास टॉलरेंस है। क्या बात, इस टॉलरेंस से ये सब के पास ये संदेश पहुंच सकता है, और हमारे बिजनेस में टॉलरेंस है ही नहीं, हमारे बिजनेस में सिर्फ भाव है, भाव भाव बन पड़ता है तो बिजनेस हो जाता है, लेकिन सत्संग जी यहाँ टॉलरेंस के बगैर कुछ होता नहीं। मानव लंदा कल से मेल से बुंडाली आई दे आई दे आई दे इदे इदे मन मुझे याली मानव लंदा कल से मेल से बुंडाली। आज हम मिल जुलकर सच्चे पातशाह की कृपा से इस सत समागम के भक्ति का आनंद ले रहे हैं, और भक्ति ही हमारे जीवन की सार है। भक्ति की बातें तो संसार में बहुत की जा रही हैं, धर्म की बातें भी बहुत की जा रही हैं,
लेकिन जब सात संगत धर्म की बात की जाए तो कहते हैं सात धर्म तो हमें पता नहीं, हम तो धर्मी हैं, धर्म है कि हमें पता ही नहीं है। और एक तरफ सच्चे पातशाह शास्त्र ऐसा अद्वितीय आनंद हमें दे रहे हैं, स्वर्ग का नजारा हम मान रहे हैं, ऐसे शास्त्र बैकुंठ में बैठे हैं सत्संग में, अगर दूसरी ओर देखते हैं सात संगत तो कल्पना और ईर्ष्या ही है। इंसान वैर और विरोध में फंसा हुआ है सात संगत, क्योंकि इंसान इंसान से दूर हो रहा है, इंसान उस कड़ी तक नहीं पहुंच पाया जो कड़ी इंसान को इंसान से जोड़ देती है, शास्त्र उससे बहुत दूर रह गया है। और यहाँ शास्त्र सच्चे पातशाह ने हमें ऐसी कड़ी में बांधा है कि साथ एक दूसरे पे हम निशावर भी हो रहे हैं। इस शास्त्र मनुखता का हमें मालूम हो गया कि मानव किसे कहते हैं और हम किस लिए संसार में आए हैं शास्त्र, और हम अगर दूर रहते हैं शास्त्र हमारी जिंदगी बेकार है। मेरे रब्बा कर कर बेचे भाईचारा हो जावे, मेरे रब्बा कर कर बेचे भाईचारा हो जावे, ओ मेरे मालिक हर मुल्का विच भाईचारा हो जावे, मेरे रब्बा कर कर बेचे भाईचारा हो जावे, मेरे रब्बा कर कर बेचे भाईचारा हो जावे। जे ज्योंदे जिस्म जमीरां मरियां हर मसला गुंजलदार बनेगा। क्या बात है, क्या बात। जे ज्योंदे जिस्म जमीरां मरियां हर मसला गुंजलदार बनेगा, जिस दे अंदर सच समाया सच दा पहरेदार बनेगा। बहुत सोहना, बहुत सोहना। कि सहनशीलता दी हद टप के, सहनशीलता दी हद टप के हर शब्द अंगार बनेगा, अपनी होमे पालन वाला इस धरती ते भार बनेगा। अपनी होमे पालन वाला इस धरती ते भार बनेगा। कि दिल विच दर्द मनुखता दा, दिल विच दर्द मनुखता दा सब दा मददगार बनेगा, एक तब नाल सदभाव बनेगा, सुंदर ए संसार बनेगा। सुंदर सुंदर सोना सोना जद अपना किरदार बनेगा, सबना दे सदभाव होणगे, सब दा नेक विचार बनेगा। एक तव दीए महफिल बैठी मिलवर्तन सद भाव बना के, जी हां जी, इस महफिल नाल सांझा पाइए फिर सांझा परिवार बनेगा। वाह वाह। अदब जदों भी इंसाना दे जीवन दा आधार बनेगा, पुल मोहब्बत वाला ताही दो दिलां विच कार बनेगा, पुल मोहब्बत वाला वक्खो वक्ख पहरावे बोली पंज तत दा ही है हर बंदा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। पहचाने जद मूल नू अपने ताही सब नल प्यार बनेगा। वाह 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 वाह। जाति धर्म मजहब का इबी रजैर यो मन में बस रहा है, और सांपा का ते डर रहा ना आदमी ना आदमी डस रहा है। वही के कहना। हाँ जी, हाँ जी। और अपने जाल में आपे मानसे, अपने जाल में अरे आपे मानसे भाई मकड़ी की जो फंस रहा है, और घर में अपने आग लगा के जोर जोर ते हंस रहा है। क्या ख्याल है, क्या। जब प्यार करने का ढंग अपना ले ते खंडर भी घर बार बनेगा। वाह 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 वाह। एकत्व ते सद्भाव बनेगा, सुंदर यो संसार बनेगा। मुर्शिद वालो
मुर्शद की बातों पे जो इतबार बनेगा। हाँ 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 मुर्शद वालों, मुर्शद की बातों पे जो इतबार बनेगा, फरमानों को मान लिया तो जीवन एक शाहकार बनेगा। वही वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वक्त का पैगंबर तो हमेशा सोच को तंदुरुस्ती देता है। क्या बात है। सोच अगर बीमार रही तो बंदा भी बीमार बनेगा। वाह, सोच अगर। बर्तन एक ही माटी के हैं, कोई भी आकार बनेगा। बर्तन एक ही माटी, बर्तन एक ही माटी के हैं, कोई भी आकार बनेगा। सोना सब में एक ही है, वो अंगूठी या हार बनेगा। सब में आत्मा एक तत्व है, मुस्लिम या सरदार बनेगा। एक रब को जब देखें सब में, तभी तो सबसे प्यार बनेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। एक को जान के, एक को मान के, एक मत एक विचार बनेगा। एकत्व से सद्भाव बनेगा, सुंदर ये संसार बनेगा। बहुत अच्छे। रब नू जानो, रब नू जानो जी, रब जे अपना यार बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाह वाह, रब नू जानो, रब नू जानो, रब जे अपना यार बनेगा, सारी दुनिया बन जाओ अपनी, हर बंदे नाल प्यार बनेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सतगुर दा हर बचन हमेशा जी, पत्थर उते लकीर है हुंदा। बहुत सोना, वाह उम्मी जी। बंदिया नू इक करन लई एकत्व ही बस आधार बनेगा। बहुत अच्छा। ना बिन धागा के हार बनेगा, ना सेतु बिना आधार बनेगा। जी जी। ना बिन धागा के हार बनेगा, ना सेतु बिना आधार बनेगा, ना प्रेम बिना कोई रिश्ता नाता, बिन गुरु न सद्व्यवहार बनेगा। जी जी, वाह वाह। एक को जाने, एक को माने, तब ही एक विचार बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। से ही सद्भाव बनेगा, सुंदर ये संसार। सुंदर। संसार की अनेक वैचारिक प्रतिभाएं संसार को सुंदर बनाने के लिए समय समय पर करती आई हैं अनेक उद्घोषणाएं। इसी लड़ी में आज पुनः निरंकारी मिशन ने ये उद्घोषणा किया है, संसार को सुंदर बनाने के लिए एक सुंदर सा फार्मूला दिया है। बहुत अच्छा। कि संसार तब सुंदर बनेगा जब संसार सद्भाव के प्रकाश से जगमगाएगा। क्या बात है। सब तो सुख है रब नू पाना, जिस दिन ये विचार बनेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। सब तो सुख है रब नू पाना, सब तो सुख है रब नू पाना, जिस दिन ये विचार बनेगा, दूर जान दी लोड नहीं रहनी, खड़े खड़े दीदार बनेगा। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूर जान दी लोड नहीं रहनी, बहुत अच्छे। ते नजर दा चश्मा लग जाएगा, हर कोई अपना यार बनेगा। नजर दा चश्मा, ते मेरी मैंने मिट जाना है, फिर रिश्तेदार बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये बोल कोई खाली बोल नहीं, हर बोल ही ब्रह्म विचार बनेगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। एकत्व नाल सद्भाव बनेगा, सुंदर सुंदर संसार बनेगा। भुखियां दे लई बनेगा रोटी, प्यासियां लई जल धार बनेगा, राज माता जी दा जीवन इस मिशन दी हुण रफ्तार बनेगा। बहुत सोहणा, बहुत सोहणा, बहुत सोहणा, बहुत सोहणा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਕੱਤ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਗਮ ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣਗੇ, ਰੱਬ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਕੱਤਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਅੰਦਰ ਬਿਖਰੇ ਸਦਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ ਡੁਬਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦ ਵੀ ਮਾਂ ਧੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਘਰਾਂ ਚ ਬਰਕਤ, ਸੁਖੀ ਸਫਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਕੱਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਯਾਰੋ, ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਜ਼ਰਖੇਜ ਬੜੀ ਜੇ, ਸਦਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਲੇਰੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਕੱਤ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਬਖਸ਼ ਕੇ
फिर इसने समझाया साथी एकत्व नाल सद्भाव बनेगा सुंदर ए संसार बनेगा। जैसी सोच है ओहो जेहा ही बंदा आखिरकार बनेगा। वाह वाह क्या बात है। सोच बदलनी ता मुमकिन है जे मन ते अधिकार बनेगा। अक्सर राज माता जी कहा करदे सन जी के साडी हट्टी है नेरे मखाणियां दी। जी जी हां जी। जिस हट्टी विच सौदे दे नाल प्यार दारूंगा झूंगा मिलदा। वाह जी 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 क्या बात है। उस हट्टी दे सौदे दा फिर हर कोई खरीदार बनेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चामल हार दुआवा लोरी जी जी छिड़का चंबा हासे हंजू। हाँ जी हाँ जी वाह जी जी। सब कुछ एक था मिल जावण ता मां दा लाड दुलार बहुत मानवता शिंगारी जाने। हाँ जी सोना चज अचार बनेगा। वाई वाह वाई वाह। जीवन दा हर पासा महकू खुशबू खुशबूदार बनेगा। खुशबू खुशबूदार बनेगा। वाह। सच्ची नगरी सच है तैसी आप पहुंचे ने सच बिहाजन। जी सच्चे कोलों सच नू लैके हर सच्चा नरनार बनेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओ बेला है नेड़े आया ए नहीं दूर दरेडे कोई। जी जी। जो संतान ने लीता सुपना सुपना वो साकार बनेगा। सतगुरु की अपार रहमत हुई है कि अब की बार पिछले सालों की तरह फिर दिल्ली को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ 67 समागम मनाया जा रहा है। इसमें आज भी वो सज्जन जिनको गवर्नमेंट ने दिल्ली की सरकार का हेड बनाया हुआ है बहुत योगदान दिया उन्होंने, चाहे दिल्ली डेवलपमेंट हो चाहे मेट्रो वाले हों चाहे PWD वाले हों शासन चाहे जल बोर्ड का पानी का विभाग है चाहे म्यूनिसिपल कमेटी में डैम्स का ख़ास तौर पर डिपार्टमेंट है इन सब के हम बहुत मशहूर हैं। पुलिस का रात दिन योगदान सभी ने बहुत ही योगदान दिया।
जो मेन मेरा सिर झुकता है वो रेलवे डिपार्टमेंट का है। साथ संग ये सारी बातें तो दास ने मुझे भी ऐसा नज़र आ रहा जैसे मैं वैसे ही कर दिया, क्योंकि समागम के ये जो इतना आनंद बना हुआ है ये कुछ नहीं, क्या कहते टेंट, क्या कहते बिजलियाँ, इनकी रौनक तब हुई है जब आप आए हैं। Hot intelligence around me, this very cosmos, how come? Who is the intelligent one? Will anybody tell me who I am? What an intelligence around me, this very cosmos, how come? Who is the intelligent one? Will anybody tell me who I am? What an intelligence around me. Tere pyar ch hoke khamri, tere pyar ch hoke khamri, mainu jachna aa jaave. Tere pyar ch hoke khamri, तेरे प्यार च होके कमली, मैनू जचना आ जावे। बन पैरा दे विच घुंगरू, हाँ बन पैरा दे विच घुंगरू, हाँ सानू नचना आ जावे। तेरे प्यार च बेमाया प्यार च, तेरे प्यार च होके कमली, मैनू नचना आ जावे। प्यार च होके कमरी सानू जचना आ जावे। प्यार च मैं दीवानी, मैनू नचना आ जावे। तेरे प्यार च मैं दीवानी, मैनू नचना आ जावे। सब जानते हैं कि इतना बड़ा विशाल संत समागम जो इस समय दिल्ली में संपन्न हुआ है, यहाँ इन मैदानों में जो परिवर्तन आए, इन सभी परिस्थितियों में से हमें उभारने के लिए बाबा जी जो आपने कृपा की है, जो आपकी रहमत हुई है, उसका वर्णन कहाँ शब्दों में हम कर सकते हैं। दास समस्त अपने साथियों की ओर से, पूरे सेवादल के बहन भाई, नौजवान अधिकारीगण सब की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सिर पर हाथ रखा और समय समय पर हमें दिशा निर्देश देते हुए आपने हमारे पर कृपा की और आज इस सुंदर नज़ारे को हम सभी आनंदित रूप से मान रहे हैं। बाबा जी, ये सब आपकी ही कृपा है। अंत में एक बार फिर आने वाले सभी महात्माओं का ऋणी है और उनसे क्षमा प्रार्थी भी है, और सबसे जो दिल की बात है वो इतनी है कि बाबा जी आप कृपा करो, आशीर्वाद दो कि ऐसे राजमाता जी हमारे शारीरिक रूप से नहीं रहे, उनका प्यार
आज भी झलक रहा है सब जगह, उनकी शिक्षाओं को हम जीवन में धारण करें। संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत ऐसा आनंदमय वातावरण पिछले 3 दिनों से जो शब्दों से बयान नहीं हो सकता, जैसे कहते हैं कि कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, के शब्द नहीं बयान कर सकते जो ये सुंदर रूप इन मैदानों में पिछले 3 दिन से बना हुआ है, जो समागम की विधिवत 3 तारीखें निश्चित की गई और एक एक पहलू का महत्व भी और एक एक पहलू का पूरा आनंद भी प्राप्त हुआ, जहाँ पर आप सब इस पंडाल में 3 दिन दोपहर से ले कर रात करीब 11 ही बजते रहे हैं रोज़, ऐसे यथार्थ वचन, कल्याणकारी वचन, प्रेरणादायक वचन गीत कविता व्याख्यान के रूप में अनेकों भाषाओं में जिसको अभिव्यक्ति दी गई, जिन उसूलों को, जिन भावनाओं को, जहाँ पर इस रूप में सभी ने आनंद प्राप्त किया, वहाँ पर ये कितने किलोमीटर फैले हुए मैदानों में, रिहायशी टेंटों में भक्तजन किस निष्ठा के साथ, रात्रि के वक्त ठंड भी इतनी हो जाती है, सुबह सुबह भी सर्दी, लेकिन किस प्रकार से उन रिहायशी टेंटों में सभी तप त्याग की भावना से युक्त होकर वहाँ पर ऐसा ही सुंदर वातावरण बनाए रखा, मर्यादा पूर्वक डिसिप्लिन के साथ, और अभी इन कल और परसों और आज तो दास जा नहीं सका उन मैदानों में, उससे पहले तो तकरीबन रोज़ ही 2-2 बार भी आने के मौके मिले इन मैदानों में महीने भर से ऊपर, लेकिन कल भी आज भी यही बताया गया कि ये पंडाल में जितने महापुरुष बैठे हुए हैं, भक्त बैठे हुए हैं, इसके बाहर भी जितना स्थान है और रिहायशी टेंटों में भी अभी भी सब भरे पड़े हैं टेंट, सब वहीं पर बैठे हुए स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, लाउडस्पीकर के द्वारा ये वचन महापुरुषों के श्रवण कर रहे हैं।
तो ऐसा एक भरपूर उत्साह ये लगन के कारण होता है, और लगन है केवल और केवल भक्ति वाली। भक्ति भाव से युक्त होकर स्थान स्थान से आप चल कर आए हैं। जैसे अभी प्रबंधक महापुरुषों ने जिक्र किए, जिनको इंतज़ाम के लिए, समागम के आयोजन के लिए जो एक कमेटी का रूप दिया जाता है, इन्होंने जहाँ पर प्रबंध की दृष्टि से अपने योगदान दिए, और इन्होंने भी यही एक जिक्र किए कि किस तरह से ऐसे समागम के आयोजन के लिए कितने कितने योगदान कितने कितने रूपों में प्राप्त हुए हैं, और मिलजुल कर ये महान कार्य एक संभव हो पाया हमेशा की तरह, और एक सुंदर रूप धारण किए हुए दिल्ली में ये समागम जब पहली दफ़ा हुआ कहाँ, पहाड़गंज के ईदगाह के इलाके में, और फिर सिलसिला चलता चला गया कहीं निंकारी कॉलोनी, क्योंकि इतनी आबादी नहीं होती थी, मैदान खाली होते थे, यहाँ पर भी कितने बरस समागम होते रहे, फिर रामलीला ग्राउंड्स में भी कितने ही बरस वहाँ पर समागम के आयोजन होते रहे, इंडिया गेट के ग्राउंड्स में भी समागम 78 में हुआ, और फिर लाल किला मैदान के पीछे जहाँ राजघाट इत्यादि हैं, उन तीनों मैदानों में भी करीब 5-6 बरस वहाँ पर भी समागम होता रहा, और फिर यहाँ निंकारी कॉलोनी के पास ये मैदान, इनमें समागम आरंभ हो गया। करीब पिछले 25-26 बरस से इन्हीं मैदानों में ये समागम का आयोजन हो रहा है, और किस तरह से हर बरस एक ऐसा सुंदर रूप धारण होता है, जहाँ पर इतनी महक भिन्न भिन्न फूलों की, ऐसी सुगंध जो भिन्न भिन्न फूलों की अनेकों प्रांतों से जो चल कर आए, अनेकों मुल्कों से चल कर आए, तो ऐसा महकदार वातावरण यहाँ पर महसूस हो रहा है, और प्रार्थना ये की जाती है कि ऐसा ही महकता हुआ वातावरण ये हिंदुस्तान में क्या विश्व भर में पैदा हो जाए, स्थापित हो जाए। क्योंकि दुर्गंध से तो दम घुटता है, ये दुर्गंध नफरतों वाली, संकीर्णताओं वाली, वैश्यपन वाली, ये एक ऐसी दुर्गंध है जो घुटन देती है, और सुगंधी भक्ति और प्यार से ही संभव है। ऐसा ही सुगंधित वातावरण बनाने के लिए भक्त जनों ने हमेशा ही जतन किए हैं, यही सूखे को हरियाली में तब्दील करते आए हैं, यही आग को शांत करके और उसमें ठंडक और शीतलता प्रदान करते आए हैं, तपते हुए हृदय जो तप रहे अंगारों के समान, वैर ईर्ष्या घृणा की आग में जलना और जलाना जो फितरत बनी हुई, तो संतों महात्माओं ने ही तपते हुए दिलों को ठंडक प्रदान की, ये नाम की बौछार करके इस निर्मल परम सत्ता के साथ जोड़कर, इसी का बोध करा के, इसी से नाता जोड़कर, ये जीवन के सफ़र को तय करने का सलीका प्रदान कर दिया, और वो जीवन जीने का सलीका था प्यार वाला, मिलवर्तन वाला, चाहे राम जी ने, चाहे भगवान कृष्ण ने, या हज़रत ईसा मसीह जी ने, हज़रत मोहम्मद साहब ने, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, अनेकों अनेकों रूप इस धरती पे अवतरित होते आए।
उन्होंने यही जीवन जीने का सलीका ये इंसानों को प्रदान किया था कि हमने इस जीवन के सफ़र को प्यार के साथ तय करना है, हमने हरगिज़ नफ़रतों से नहीं जीना है और प्यार का जहान हमने आबाद करना है। प्यार की कमी संसार में है, इस कमी को हमने पूरा करना है। तो ये जीवन जीने का ढंग, ये सलीका, ये संतों गुरु पीर पैगंबरों ने इंसानों को प्रदान किया, तो आज भी उसी की महत्ता जानते हुए आप इसी प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, मानवता और इंसानियत का दामन मजबूती से थामे हुए हैं। इस मानवता और इंसानियत का दामन छोड़ा नहीं है और यही मानवता इंसानियत का दामन मजबूती से पकड़ने का मतलब कि सच्चे धर्म का दामन थामे हुए हैं। सच्चे धर्म की पहचान मानवता ही है, इंसानियत ही है, इससे हटकर कोई भी परिभाषा नहीं है धर्मों की। जो पहचाने धर्मों की आज हमने बना ली है, द फॉर्म द रिलीजन्स हैव टेकन टुडे वॉज डेफिनेटली नॉट दैट विच द सेंट्स एंड सेजेस एस्टेब्लिश डाउन द एजेस। तो ये धर्म के रूप बदल गए हैं, अनेकों क्रियाएं और राइट्स एंड रिचुअल्स एसेट्रा, वी हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग देम एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन और अ रिलीजन इटसेल्फ। But the saints and sages and prophets, the religion they established was the religion of mankind, of humanity means humanity is the only religion. And if we start living like true human beings, following the path of righteousness, only then we can be true religious persons and in the true form love the God Almighty. If we have hatred in our hearts for others, then we are not a true lover of Lord God Almighty. We have to love the human beings which belong to the one common family, which is of the Lord God Almighty. तो इस प्रकार से एक मानवता इंसानियत ही ये सच्चा धर्म है और यही एक धर्म की पालना अगर हर कोई करना शुरू कर दे तो वाकई ही धरती का ये स्वरूप सुंदर हो जाए। तो इस प्रकार से संतों महात्माओं ने आज भी जो सत्संग में इसी पे आधारित ये वचन सबके समक्ष रखे हैं और संतों ने हमेशा ही यही देन संसार को दी है। अपने उद्धार के साथ उन्होंने औरों का कल्याण किया है, औरों का उद्धार किया है, वो औरों की सोच पहले रखते आए हैं, निष्काम सेवा करते आए हैं, दूसरों की पीड़ा महसूस करते आए हैं। जैसे वो भी मिसाल कई दफ़ा दी गई कि एक संत हृदय नवनीत समाना, कि एक संत का हृदय हृदय नवनीत के समान होता है, माखन के समान होता है। तो उसकी मिसाल ये दी गई कि एक माखन की टिकिया को आंच लगे तो टिकिया पिघल जाती है, जिस टिकिया को आंच लगती है, सेक लगता है, तो वो टिकिया माखन की जमी हुई वो पिघल जाती है। लेकिन इससे आगे एक कदम बता रहे हैं कि वहाँ तो जिस माखन की टिकिया को आंच लगती है वो पिघलती है, यहाँ संत हृदय तो ये होते हैं कि आंच किसी और को लगती है और पिघल ये जाते हैं।
दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों कि आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। तो इस प्रकार से दूसरे के दुख, दूसरे की पीड़ा को हरते हैं और दूसरों को सुकून और चैन देने के लिए, राहत देने के लिए सेल्फलेसली वो अपने योगदान देते हैं, जैसे आप करते हैं, जैसे यहाँ पर लगातार ऐसी देन दी जा रही है। कल भी जो सेवा दल के जवानों को आप देख रहे हैं, सेवा दल की रैली के रूप में इन्होंने सेवा वाले पहलू के ऊपर कुछ कल्चरल आइटम्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ का सहारा लेकर उसकी तरफ ध्यान दिलाया कि ये सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड, कि ये सेल्फलेसनेस से युक्त होकर, निष्काम भाव से युक्त होकर, एक कामना से ऊपर उठकर, कोई गरज ना मन में रखते हुए, कोई इसके एवज में कोई दुनियावी और वाह वाह या एक जय जयकार की भूख ना रखते हुए, ये इस प्रकार से दिए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं मानवता को, किए चले जा रहे हैं मानवता के लिए। इस तरह के ये योगदान लगातार हो रहे हैं, किसी रूप में भी ऐसे योगदान दिए जाते हैं उनका अपना एक महत्व हुआ करता है। और साथ में ये सब कुछ करके भी विनम्रता बनी रहती है, अकर्ता भाव बना रहता है, दास भावना बनी रहती है, कोई इसके बदले में नहीं चाहते। जैसे वो एक कहावत है कि ऑलवेज गिव विदाउट रिमेम्बरिंग एंड ऑलवेज रिसीव विदाउट फॉरगेटिंग। इस प्रकार से देते चले जाते हैं और एहसान भी नहीं जताते। ये संतों ने हमेशा किया है, ये सज्जन प्रवृत्ति वालों ने हमेशा किया है, उसके एवज में और दुनियावी कुछ नहीं चाहा, यही चाहा कि जितने भी मालिक करवा सकता है ये मुझे इंस्ट्रूमेंट बना लें और इस इंस्ट्रूमेंट से काम ले लें, मानवता के काम आ जाऊं, मेरा धन काम में आ जाए, मेरा तन काम में आ जाए, मेरी विधवता काम में आ जाए, दूसरों को चैन और सुकून और राहत देने के लिए। इस तरह से ये जज्बे होते हैं, ये भावनाएं होती हैं। तो अब साध संगत, यही एक शक्ति हमें मिलती है, ये ताकत हमें मिलती है स्पिरिचुअलिटी के कारण, इस आध्यात्मिकता के कारण, इस एक परमात्मा से नाता जोड़ने के कारण, ये शक्ति और ताकत ये हमें प्राप्त होती है जब इसके संग होते हैं। एक वो एक कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि पंछी उड़ते पंख से मैं उड़ती बेपंख, जब मैं पी के संग हूं तो मेरे पंख असंख। के पंछी पंखों से उड़ते हैं और मैं बेपंख उड़ रही हूँ, और वो बेपंख नहीं हूँ क्योंकि मैं पिया के संग हूँ, और जब पिया के संग हूँ तो दो पंख नहीं, मेरे पंख असंख, असंखों ही पंख लग गए। और अगर दूसरी दृष्टि से देखें, जब आप लाखों की संख्या में परोपकार कर रहे हैं तो ये पंख ही तो हैं जो उड़ा रहे हैं, जो जगह जगह पर ठंडक फैला रहे हैं, जगह जगह पर सुकून फैला रहे हैं, इस सत्य के साथ जोड़ रहे हैं, भ्रमों से निजात प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण एक जीवन का हमारा रूप है, और इसी महत्ता का एहसास करते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। पिछले दो दिन से समागम का आरंभ भी हुआ तो राजमाता जी को समर्पित, उनके योगदानों को याद करते हुए, उनकी देन को याद करते हुए, और दोनों दिन अनेकों अनेकों ने ये जिक्र किए, एक श्रद्धा सुमन समर्पित किए, और आज भी इसी तरह से जो उनकी देन
वो याद की जा रही थी और उससे प्रेरणा हम हमेशा लेते रहें। यही एक अरदास, यही प्रार्थना है जो उन्होंने जी कर दिखाया, उसी का अनुकरण, उसी का अनुसरण सभी करते चले जाएं, हमेशा प्रेरित रहें और उनकी पंक्तियां जो हमेशा से गूंजित रही हैं, उन्हीं पंक्तियों के अनुसार हम दुनिया में विचरण करते चले जाएं, लेकिन नाता अपना मालिक से जोड़े रखें, साथ संगत के साथ जुड़े रहें और इस प्रकार से बच्चे बच्चे का सत्कार करते हुए हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, समय काफ़ी अधिक हो चुका है। तो इसलिए दास सबके लिए प्रार्थना करता है कि दातार कृपया करें कि आप अपने अपने इलाके, अपने अपने घरों, अपने अपने प्रांतों, अपने अपने मुल्कों में लौटें, तो जो महक यहाँ पर स्थापित की, इसी महक को वहाँ पर भी स्थापित करते चले जाएं, इस सत्य को, पैगाम को आगे से आगे पहुँचाते चले जाएं। मानवता, इंसानियत को मजबूत करते चले जाएं, ऐसी शक्ति सभी को दातार प्रदान करे और दुनियावी सुख भी प्रदान करे, ऐसी तौफीक दे ताकि सभी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभा पाएं और भक्ति भी साथ साथ चलती रहे, परोपकार भी साथ साथ चलते रहें। सत्संग जी धन्य।